Good morning. कौन है, कौन है यहाँ पर? है कौन यहाँ पे जो मेरी एफआईआर लिखे तिल मिला के? अबे क्यों इतना हड़बड़ा रहा है? बीवी भगली है क्या किसी के संग? अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हमें कोई भगा ले जाए। आप ट्राई कीजिए ना। मैं ट्राई करूँ? देखिए आप कह रही हैं तो मैं ट्राई कर लूंगा, ऐसी कोई बात वैसे बिल्कुल ही यहाँ पंडित हो रहा है, पूजा पाठ और बिल्कुल शुद्धि कर रहा है हर चीज की, और वैसे बीवियां भगाने में एकदम अव्वल नंबर पे आ रहा है। कौन है बेतू? मैम मैं पत्नी हूँ, आप ट्राई कीजिए ना। किसकी पत्नी? हर की पत्नी। आप ट्राई कीजिए ना। ओ माय गॉड, हर की पत्नी मतलब एवरीबॉडी की? अरे ओ चाचा जी क्या बकवास कर रहे हो, और हर की पत्नी मतलब एवरीबॉडी की पत्नी नहीं, हर की पत्नी मतलब हर हर दुबे, यानी कि मैं इनका पति, मेरी पत्नी तिल मिला के है। कंफ्यूजन। और मैम मैं हूँ डॉली दुबे, आप ट्राई कीजिए ना। अरे ओ डॉली 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 डॉली। आप अपने गोविंदा को लेकर यहाँ क्यों आई है, धनिया खरीदने? वो बस मैं तो इनके साथ आ गई, मैंने आज तक पुलिस स्टेशन नहीं देखा था ना, तो मैंने कहा खाली बैठी क्या करूं, मैं भी देखाऊं। आप ट्राई कीजिए ना। लाल किला है ये, कुतुब मीनार, जोगर्स पार्क है। 100 रुपए निकालो। 100 रुपए क्यों? नहीं तुम अपनी पत्नी को यहाँ पुलिस स्टेशन दिखाने लाए हो ना। हाँ तो टिकट लगता है पुलिस स्टेशन दिखाने का, 100 रुपए निकालो। अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए, मैं मेरी बीवी को यहाँ पे पुलिस स्टेशन दिखाने नहीं लाया हूँ, बल्कि मैं तो FIR लिखवाने आया हूँ, वो भी मेरे पड़ोसी के खिलाफ तिल मिला के। ओहो क्या कर दिया पड़ोसी ने भाभी जी, आपको देख के सीटी मार दी। तू चल दिखा कितनी जो है स्वीटी की वैरायटी है थारे अंदर, बता दे आज, तू निकाल ले अपने मन की भड़ास, जितनी फूंक भरी हुई है इसे तू निकाल ले आज। बजा स्वीटियां। वाह वाह वाह। कैरी ऑन। नहीं, बात को इतना मत घुमाओ फिराओ, जो भी मैटर है खुल के बताओ। ओके बाय। हाँ मैं बोलता हूँ मैडम, मेरा एक पड़ोसी है जो मुझे बहुत परेशान करता है तिल मिला के। अब हुआ ये था कि एक बार उनका धक्का मुझे लग गया था, तो मैं स्विमिंग पूल में गिर गया था तिल मिला के। स्विमिंग पूल में कुड़ियाँ थी? हाँ तो मैं तब से वो है ना, मुझे दिन में 1,500 बार सॉरी बोलता है तिल मिला के। ओ तुम्हें कैसे पता वो 1,500 बार सॉरी बोलता है, तुम गिनते हो क्या? अरे मैं अंदाजन बोल रहा हूँ। देखो दोस्त, कानून अंदाजे से नहीं चलता है। नो नॉट, जो भी कहना है जरा क्लियर क्यूट कहो। क्या है, है? क्या क्लियर क्यूट? इसको साले को केजी भेजो वापस, अपनी अंग्रेजी की जो है पढ़ाई करेगा यो। क्लियर कट या दिस वन।
मैडम तब से मैं उसे कई बार कह चुका हूँ कि इट्स ओके तिल मिला के, लेकिन वो है कि वो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। अरे जागते हुए सोते हुए मुझे सॉरी बोलता है। अरे कभी कभी तो वो मुझे लिप में पकड़ लेता है तिल मिला के। क्या बात कर रहे हो यार, मतलब पकड़ लेता है ऐसे? अरे पकड़ लेता है मतलब वो मुझे रोक देता है, रोक के कहता है कि सॉरी भाई साहब सॉरी। मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अड़ियल और जड़ियल टाइप का पड़ोसी है मैडम। मैडम दिन में 1500 बार सॉरी मतलब कुछ ज्यादा हो गया है। कौन है यार ये लौंडा है? माफिया जो इतनी माफिया मांग रहा है, बुलवाओ साले को। आइए आइए। सॉरी भाई, सॉरी यार, मुझे माफ कर दो। इट्स ओके। दिल से माफ नहीं किया आपने। सॉरी भाई, सॉरी दोस्त, सॉरी ब्रो। अरे इट्स ओके ओके इट्स ओके। देखा मैडम कितना सॉरी बोलता है तिल मिला के। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग का बैंगन भुन गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की खोलता पानी। तेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? हाँ विका के, तुम्हारा नाम क्या है यार? चावल। बासमती या बासमती टुकड़ा? चावल नहीं। छोड़ो बासमती टुकड़ा, पहले सुलझो इस हर हर का दुखड़ा। मेरा नाम है चावल, चावल चतुर्वेदी। आंखें चौंधिया आ गई। अबे अभी तो आंखें चौंधिया आ गई हैं, दुनिया से चौंधिया आ जाएगा। क्यों इसको परेशान कर रहा है, इतना गले में टंगा हुआ है बिल्कुल हार की तरह से। क्यों माफी मांग रहा है इससे घना? क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने मुझे दिल से माफ नहीं किया। मैं ऐसे ही बोल दिया है इट्स ओके। नहीं और कैसे करते हैं दिल से माफ, हैं? दिल चीर के दिखाएगा कोई अपना? मेरी गलती है, मेरी वजह से ये स्विमिंग पूल में गिर गए थे जो सूखा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। मैं तब से बोल रहा हूँ सॉरी सॉरी भाई, बड़े भाई सॉरी। माफ किया तुझे मैंने। ओके। सॉरी। निकल। आउट। अरे लेकिन मैडम, अरे हमारी मैडम ने जो एक बार कह दिया वो लोमड़ी की जुबान से है। मेरा मतलब है बिल्ली का वादा से है। मतलब है पत्थर की लकीर है, समझे ना? हाँ काके, अब तुम जाओ और बाहर जाके खेलो। जाओ जाओ मेरा बच्चा जाओ। यार सुनो सॉरी। आंखें चौंधी आ गई। ये लौंडा जितना जो है शर्मनाक और जितना गिल्टी दिखा रहा है उतना है कोई ना। ये सिर्फ तैने परेशान करने के लिए कर रहा है, लेकिन आज के बाद परेशान तू ना होगा बल्कि परेशानी होगी इसे। सो मम्मी जी, व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान इज द एक कहावत तो सुनी होगी तुम लोगों ने, जैसे को तैसा। लेकिन कैसा? सुन, आ रहा है, रेडी रेडी।
दूध ले लो बाबूजी, ताजा ताजा दूध। अरे ले लो। अरे बाबूजी इधर तो आइए, तनिक देखिए कैसा बढ़िया टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। अरे बुशर्ट पहने हैं का? अरे दूध तो लेते जाइए, बढ़िया एकदम दूध है, प्योर है। अरे बुड़बक एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, पेट में कुल्फी जम जाए, इतना बढ़िया दूध है। ब्यूटी, इतनी खूबसूरत हो, खूबसूरत होकर दूध बेच रही हो। तो और क्या बेचें बाबूजी? दही। दही को मार गोली, मेरी दूध मलाई, नाजुक है तेरी कलाई। आजा हमारे साथ फिल्म देखने चल, इसमें ये तेरी भलाई। अरे सुनिए, कुछ कहिए ना, आप काहे मुंह घुमाए खड़े हैं? मैं क्या क्या हो रहा है भैया, क्या हुआ? सॉरी सॉरी भाई साहब, सॉरी। अरे अरे हाय दैया, ये क्या हुआ? अरे तुम तो हमको बचा ही लिए बाबूजी, थैंक यू बाबूजी। आज तुम ना आते तो जाने क्या होत हमारे संग। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। सुनिए ये दूध तुम ले जाओ, ये सारा दूध तुम ले जाओ, फ्री में ले जाओ, थैंक यू दा। अरे सुनो, अपना कार्ड तो दे जाओ, अपना कुछ नंबर वगैरह दे जाओ। मेरा नंबर क्यों? अभी दोबारा कभी ऐसा गुंडा लोग आ गए तो किसका फोन करी हम? आप ही को तो फोन करी, नंबर दे जाओ। मैं नंबर नहीं, मेरे इसका कार्ड दे दो। ये कार्ड है। अरे वाह, अरे थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। ओके। अरे सुनिए, दिल से कह रहे हैं। ओके। मतलब मन से कह रहे हैं थैंक यू। वेलकम। सुनिए ना, थैंक यू कह रहे हैं। ओके। थैंक यू। वेलकम। एहसान किए हैं आप। थैंक यू। ओके ना। सुनिए तो सही, बहुत अच्छा किया आप आए, थैंक यू, सच में थैंक यू। दिल से कह रहे हैं, मन से कह रहे हैं, सुन तो लीजिए, थैंक यू कह रहे हैं। इट्स ओके। अरे सुनिए ना, थैंक यू। ओके। अरे सुनिए, बस अब हो गया ना। अरे सुनिए, थैंक यू कह रहे हैं। गुड जॉब मैडम, गुड जॉब। बेटा गुड जॉब तो है तुम्हारी भी, लेकिन इसकी साले की नहीं। ओए तू आगे से कोई एक्टिंग नहीं करेगा, हेमिंग करता है, तू पकड़वा देगा एक दिन हमें। टीप देखो कैसे थैंक यू कह कह के इस चावल की बिरयानी बनाती हूँ मैं। कैरी ऑन। ए कैरी ऑन के बच्चे, चल 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 चल। तनिक बुलाई दियो। इतनी रात को मेरे पति से क्या काम है? काम तो जो था वो हुई गवा, आप तो काम के लिए थैंक यू कहने आए हैं, तनिक बुलाई दियो ना। जूते पहन रहा था। कपड़े तो पहने नहीं, जूते पहने थे। कौन है? बाबूजी तनिक सुनिए, थैंक यू कहने आए हैं बाबूजी आपको। वेलकम। अरे आप तो देवता हैं बाबूजी, एहसान मंद हुई गए हम तो आपके बाबूजी। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू, थैंक यू बाबूजी। वेलकम। थैंक यू बाबू, वेलकम। बस ना, बस। इधर आओ तुम, इधर आओ। मुझे बचाइए। ओ, भिखारी यहाँ का अंदर चले, चलो बाहर निकलो, चलो। हाँ काके, भीख मांगना कानूनी जुर्म है, भीख नहीं मांगते। अरे मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं चावल हूँ, चावल चतुर्वेदी। उस दिन आया था ना मैं हर हर के साथ में। नहीं, किसने तुम्हें पीटा? ऐसे हुआ ये सब बताओ कैसे? ओके बाय। ओहो भाई, व्हाट अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। किसने कराया ये सब? कहीं कोई छोरी वोरी तो नहीं छेड़ आया तू? अरे नहीं, बीवी बीवी छेड़ दी। किसकी? अपनी बीवी।
और उसने तुम्हें छेड़ने पर पीटा? नहीं मैडम, आंखें चौंधी आ गई। मेरी बीवी ने मुझे इसलिए पीटा क्योंकि दो दिन पहले मैंने एक दूध वाली को आंख मार दी। नहीं, दूध वाली को छेड़ दिया था। अरे नहीं काका, दूध वाली को गुंडों से बचाया। तब से मैं मुझे थैंक यू बोले जा रही है, थैंक यू बोले जा रही है, थैंक यू बोले ही जा रही है। मैं दफ्तर जाता हूँ, वहां पे आ जाती है थैंक यू बोलने, बिल्डिंग के नीचे खड़े रहती है थैंक यू बोलने। मैं ऑफिस से निकलता हूँ, नीचे टेम्पो स्टैंड पे खड़ी रहती है थैंक यू बोलने के लिए। 500 बार मेरे मोबाइल पे फोन कर चुकी है, मैं परेशान हो गया हूँ, थैंक यू कितना थैंक यू। आंखें चौंधी आ गई। हाँ भाई, इसमें क्या है, तुम उसको कह देते मेंटेनेंस नॉट। मेंटेनेंस नॉट। मेंशन नॉट, ना कि मेंटेनेंस नॉट। या दिस वन। क्यों ना कही था ना उसे मेंशन नॉट। मैडम मैंने कहा उसको मेंशन नॉट, लेकिन वो मुझे कह रही है कि ऐसे तुमने दिल से नहीं बोला मेंशन नॉट, ऐसे ही बोल दिया मेंशन नॉट। आंखें चौंधी आ गई। और हद तो तब हो गई कि जब कल रात को 2:30 बजे मेरे घर की डोरबेल खराब हो गई। नहीं, मेरे घर की डोरबेल उसने बजाई। मेरी बीवी ने दरवाजा खोला तो मेरी बीवी को बोलती है कि आपके हस्बैंड को बुलाइए, उनको थैंक यू बोलना है। बस उसके बाद मेरी बीवी की आंखें चौंधी आ गई। उसने मुझे ऐसे पीटा, पीट पीट के पूछा कि वो लड़की क्यों आई थी, क्यों रात को 2:30 बजे आ गई वो पूछने के लिए। मैडम जैसे आप लोग पुलिस वाले किसी गुंडे मवाली को पकड़ के उससे पूछते हैं ना कि बता तेरे साथी का नाम क्या है, बता, वैसे ही पूछ रही थी मैडम, आके चौंधी आ गई। वैसे ही मुझे मारा है, बहुत मारा है मैडम, मुझे उस दूध वाली से बचाइए मैडम। क्यों क्यों बचाए था ना किसी से भी हम? अबे जब तू उस जो है हर हर को परेशान कर रहा था, उससे घना चेप हो रहा था, तब तेने ना सोची? यस। अबे हम कुछ ना कर सकते, तू निकल यहां से। नहीं मैडम ऐसा मत बोलिए, प्लीज ऐसा मत बोलिए, मेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया है, मुझे तलाक देने वाली है, वो पेपर लेने गई है, कोर्ट गई हुई है अभी। मैडम मुझे सब समझ में आ गया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। हर हर को मैं इस वजह से परेशान कर रहा था क्योंकि मेरी पार्किंग पे वो अपना स्कूटर लगा देता था, इस बात के कारण मैं उसको परेशान कर रहा था, लेकिन नहीं अब नहीं करूंगा। अब नहीं, मुझे मैं अपनी गलती का एहसास हो गया मैडम, मैं उससे माफी मांग लूंगा। चलो ये हुई ना बात, तो ठीक है, अब वो दूध वाली तुम्हें कभी थैंक यू नहीं बोलेगी, क्योंकि वो दूध वाली कोई और नहीं बल्कि हमारी मैडम है। क्यों खा गया ना झटका? ये चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह है जिसे कोई नहीं समझ सकता। चल भाई टेंशन कोई ना ले, हमने तेरे सबक सिखाने के लिए वो सब करा है, सारी बीवी से मैं बात कर लूंगी, वो ले लेगी तेरे घर में वापस। फिलहाल जो है हर हर से माफी मांग जरा। ठीक है ना जी, लॉज पर नेक काम में देरी क्या, अभी बुला लेते हैं। हाँ भी हर हर, और पापी जी आ जाओ, बाहर आ जाओ। हर 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 मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने आपको माफ किया तिल मिला के, ओके? तुमने मुझे माफ नहीं किया, ऐसे ही बोल दिया बस, दिल से माफ नहीं किया दोस्त, सॉरी। बड़े भाई सॉरी, मेरे भाई सॉरी, गुरु सॉरी ना। मैडम आंखें चौंधी आ गई। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.